और सुबह सुबह हमारे घर पर देखें, जैसे ही नींद से उठो कैसे रौनक लगी हुई है। क्योंकि तो छुट्टी है, वैसे खैर डेली में ऐसा होता है, बच्चे उठे ना उठे अम्मी सुबह सुबह उठ जाती है, सब सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, अब इनकी बातें चल रही है। चाय तैयबा भी पी के गई है। आओ माँ का पॉट भी लाए, रात माँ भाग गई थी पूरी रात के घर के चक्कर काट काट के ना सुबह आ जाती है। अम्मी पास वाले घरों में हम कहीं पे भी नहीं गए, हमारा कोई नेबर का कोई हमें अता पता नहीं है, सब जानती है सबके बारे में। रिश्तेदारी अम्मी कहती है सुबह नमाज के टाइम उठी तो दूसरे घर में छलांग लगा के जा रही दीवार पे, ऊपर दीवार पे चढ़ी हुई थी उधर जा रही थी नीचे नीचे खिड़की दूसरे रूम से देखा। ये भी अम्मी आयत की तरह बहुत शरारत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और सुबह का आगाज ऐसा हो कि जैसे हम नींद से उठे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं सबसे पहले आगे बैठे हो ना, तो इतना दिल खुश हो जाता है। घर में एक रौनक लगी होती है, जैसे घर खाली खाली और लाइट सब कुछ ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम सुबह नींद से उठते हैं तो अम्मी चाचू सबसे पहले नमाज के टाइम जैसे उठते हैं ना, तो फिर सोते नहीं है, जाग रहे होते हैं, चाय वाय रखते हैं, चाय बनाते हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये वाला गेट हमारा सामने खुला होता है, अम्मी को यहाँ का जो है खुला माहौल अम्मी को बहुत पसंद है। जैसे गांव के हमारे रहने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो यहाँ कराची के छोटे मकानों में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ का खुला माहौल, फ्रेश हवा मिलती है तो ये गेट भी खुला होता है, यहाँ पर बैठे होते हैं। हमारे घर के सामने की खूबसूरत सुबह है जो कि अम्मी चाचू सबको बहुत पसंद है। तो ऊपर मशीन लगी हुई है, अम्मी को बस ये वाला समझाना था, ये मैंने कर लिया है। और इसमें जो है ना, एक तो कपड़े बहुत अच्छे और साफ धुलते हैं, दाग धब्बे जैसे कि सब कुछ नीट हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना, कपड़ों में बहुत प्यारी खुशबू आती है, तो हमारे कपड़ों में इस दफा लिवेंडर की खुशबू आएगी। आ रही हूँ बस ये ऊपर दे के आ रही हूँ, नीचे बाहर गेट के ये बैठे हैं हमारे चाचू धूप में। और नहीं, अच्छा सोफा में धूप पे रख दूं? नहीं नहीं अम्मी, ये मैं कल लाई थी आपको बताना भूल गई। कपड़ों में जैसे कपड़े धुल रहे होंगे ना, उसमें ना ये एक कैप भर के डाल दीजिएगा, बाद में कपड़े धुल जाए। वो अम्मी वो दूसरा है, वो दूसरा है। अच्छा ये धोने वाला है, वो दूसरा उधर पड़ा है ना, वो तो कपड़े धोने के बाद डालते है ना खुशबू के लिए, ये उसमें सर्फ में साथ ही डाल देते। चलो ये मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ, अम्मी को मैंने बता दिए, अम्मी यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। और अम्मी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा ना अम्मी, डेली नाश्ता करने के बाद यहाँ उड़ रहे हैं, इसको देख रही हूँ। अच्छा आसमान खुला खुला आसमान, ये शुक्र है कि अम्मी जब आप वहाँ से आते हैं ना तो यहाँ पर माहौल खुला मिलता है ना, तो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है। अपना धूप लगवा रहे हो, साइड पर हमारी मशीन लगी हुई है। नहीं अम्मी, मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ अभी। नहीं नहीं अभी करूंगी अम्मी, यहाँ पर थोड़ा सा आगे गाड़ी पे जाएंगे वहाँ करेंगे। मैं अभी नीचे जाऊँ, मेरे हस्बैंड जो है ना नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे। आए कई बार दोनों उठे हुए हैं, मुस्तफा बस सो रहा है। आ गई मैं, चलो चलो जी, मैं क्या ख्याल रखना, बाय बाय, अभी आ रही हूँ बस 5 मिनट में। तो अभी हम जैसे यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे क्या दिख गए, परिंदे दिख गए। परिंदों को जो है ना यहाँ पर दाना भी डाल कर जाएंगे। चलो वीडियो अपलोड करते करते ना सुबह मॉर्निंग के टाइम निकलो, बहुत सारे काम हो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम। थैलियाँ बनी हुई है, ये एक पे जी की है, एक एक किलो की है, एक एक किलो की थैलियाँ बना के सेल कर रहे हैं। करीब डालोगे उतना आपके साथ नजदीक आएंगे। हाँ यहाँ से यहीं पे भर के रख देते हैं। अच्छा यहाँ से पी लेते हैं। और ये घर की चप्पल कल ही मैंने ली थी अपनी न्यू, वैसे ली मैंने ये मुस्तफा के लिए, मुझे पूरी आ गई। आप मेरी एक और वीडियो बनाओगे? मैं वहाँ से उस साइड से आऊंगी, आपने इधर रुकना, मैं उधर से भागती हुई आऊंगी, जैसे परिंदे उड़ते है ना, वो अच्छा लगे। एक आधा पकड़ भी लेना, आराम आराम से आना। कोई भी नहीं पकड़ा गया। बच्चों को बोलो ना तो बच्चे तो सारे भाग पड़ेंगे, एक भी नहीं बैठने देंगे। अच्छे लगते हैं ऐसे जब ऊपर उड़ते हैं, वापस आकर अपनी जगह पे बैठ गए। तो वीडियो जो है ना अपलोड करते करते ये टाइम हो गया, शाम के टाइम हो गया। तो सारी कहानी मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि पूरा दिन आज मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। सुबह निकले थे व्लॉग शूट, सॉरी व्लॉग अपलोड करने के लिए, व्लॉग अपलोड हो गया। उससे पहले आज से एक हफ्ता पहले मैंने मोबाइल शॉप पे फोन करके बोला हुआ था कि मुझे मोबाइल चेंज करना है, न्यू मोबाइल खरीदना है। और उसके लिए जो है ना उनके पास वो वाला कलर नहीं था, तो मैंने ये उनको बोल के ये वाला कलर मंगवाया था कि मुझे इसी कलर में जो है ना 14 प्रो मैक्स चाहिए। तो अभी पेमेंट वेमेंट सब कुछ दे के अभी यहाँ पर घर पर आई हूँ।
अभी नहीं आई घर पे, तो खैर काफी देर से आई हूँ, लेकिन समसिंग से अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा जो मेरा आईफोन है वो उन्हीं के पास छोड़ के, क्योंकि उसका सारा डेटा जो है ना दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बताती हूँ कि जो है ना चेंज करने का रीजन क्या था। तो चेंज करने का रीजन ये है कि इस मोबाइल में बहुत ज्यादा ये होता है कि बार बार स्टोरेज फुल हो जाता है, बार बार डिलीट करो। अब मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज वाला लिया है, तो बस बहुत प्यारा मोबाइल है, बहुत प्यारा सेट है। वापस आ गए थे फिर घर पे, मेरे दोनों चाचू आए थे, मतलब जो घर पे हमारे चाचू हैं, चाचू के जो दूसरे भाई हैं वो मिलने के लिए उसके साथ बैठ रहे, बातें बातें की, खाना वाना अभी हमने दोपहर का खाया। तो अभी अम्मी को लेकर दोबारा मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया अपने दूसरे मोबाइल को उठाने, क्योंकि उन्होंने बोला था 2-3 घंटे लगेंगे अपडेट होने में, और उसके अलावा इसमें सारा डेटा ट्रांसफर करना सब कुछ, फिर मैं वहीं पर छोड़ के आ गई। तो अभी जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि नया मोबाइल मेरा आ गया। मोबाइल बहुत खूबसूरत है, मोबाइल को पैक वैक करके डब्बे में रख देना, ताकि जब अम्मी आए तो अम्मी के हाथों से खुलवाएंगे और अम्मी उठाएगी, तो वो सब अम्मी को जो है ना अच्छा होगा, खुशी भी होगी अम्मी को ये सब देख के, और बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट भी हम कैप्चर करेंगे भी। और बस अभी चलते हैं, अभी शाम का टाइम हो गया, पूरा दिन हमारा और कोई ब्लॉग नहीं बना, बस मोबाइल की भी बहुत ज्यादा खुशी है, तो अपना मोबाइल लेने के लिए चलते हैं। तो अभी हम शॉप पर पहुंच चुके हैं, रास्ते में तो मोबाइल था नहीं, ये वाला मेरा मोबाइल इधर था, ये है मेरा खूबसूरत सा, अभी डब्बा नहीं दिखाना चाहिए। अम्मी यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई, टाइम जा रहा है, अम्मी कह रही है टाइम जा रहा है, पीछे गैस चला जाएगा, अम्मी को ये टेंशन। और अम्मी को सुबह सुबह जाकर एकदम से हमने सरप्राइज दिया, तो ये कलर था मैं जिसका मैं हमेशा बोलती थी कि ये वाला लूंगी, अभी आप इसको खोलेंगे ठीक है अम्मी, पहले इसको खोलना, हाथों से अभी हम खुलवा रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे ऐसे निकाल, बहुत लकी साबित होगा ना अम्मी, इंशाल्लाह। ये पकड़े अभी देखिए, YouTube फैमिली को भी दिखा देते हैं कि ये वाला कलर है जो मैं कह रही थी कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, सब बहुत अच्छा है। अभी अम्मी देख प्यारा है, बहुत प्यारा है, और अल्लाह पाक करे कि ये आपके लिए ये लकी हो, लकी साबित होगा। हाँ इंशाल्लाह, अभी अम्मी के हाथ से खुलवाया ना, तो इंशाल्लाह जरूर। ये आप खोले, बटन दबाया, बटन ये वाला साइड वाला दबा, हाँ खुल गया, खुल गया, दिख गया एप्पल, इसे पता चल गया कि आईफोन है। फैमिली दुआ कर रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए ये लकी हो, हाँ हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी करें सबको, मैं ये सितारा को मोबाइल मुबारक दे रही हूँ। हाँ चलो, थैंक यू सो मच अम्मी, मेरे लिए दुआएं कर रही हूँ, और ये सब आप सबकी वजह से है लगा। हाँ ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप तो बताएं, और साथ में हम इसका जो है नया लुक है ना, हाँ बिल्कुल नया लेटेस्ट ये मॉडल है, और थैंक यू सो मच आप सबका। और अभी जो है ना इसके ऊपर हमने ये कवर भी लगवा लिया, कवर भी मैंने पर्पल ही लगवाया, इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। सो मच, थैंक यू सो मच वकार भाई, थैंक यू सो मच जीशान भाई, फिजान भाई, चलो कोई नहीं, अभी याद रहेगा। उस्मान भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। वकार भाई कितनी अनबॉक्सिंग की है आपके पास हमने आईफोन की, ये तीसरा है ना, तीसरा चौथा, मैकबुक भी है, ड्रोन कैमरा भी, हाँ मैकबुक हो गया, पेन हो गया, बच्चों के टैबलेट हो गए, आईपैड हो गए। अब से जो है ना हमारी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो हमने इसी शॉप पे ही अपने सारे मोबाइल की अनबॉक्सिंग की है। आपने कब से शुरू किया मेरे पास, नवंबर हम ऐसे डर रहे थे, क्योंकि ऐसे होता है ना, क्योंकि नया हम फर्स्ट टाइम आईफोन लेने के लिए आए थे, तो ऐसे डर लग रहा था, पता नहीं कोई हमें ऐसे दे दे ये आईफोन का बोल के, जैसे अभी आपने बताया कि लास्ट जो जिसके साथ हुआ है। अभी जो हम शूट कर रहे हैं ना, ये 14 प्रो मैक्स से कर रहे हैं, और देखें इसका रिजल्ट कितना ज्यादा अच्छा है, सच में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखें जरा वकार भाई, आप अपने आप को देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, भाई देखें सब कितने अच्छे लग रहे हैं, सब फिलहाल अभी शर्मा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारी पूरी YouTube फैमिली के साथ ना जुड़े हुए आप सब, अल्लाह हाफिज। चले आ जाए अम्मी, आप ये दुआ, ये वाला भी दुआ कीजिएगा कि ये वाला मोबाइल मेरे लिए लकी साबित होगा, लकी होगा, वो आपसे पिछला रिकॉर्ड तोड़ दोगी इंशाल्लाह। खाना खाएंगे बताए, ये देखें पूरी जहाँ पर अभी हम रुके हैं ना, ये सारी एंड तक खाने की लाइन है, यहाँ से इस साइड पर भी। नहीं आप जल्दी घर चलते हैं, अम्मी बार बार मुझे कहती है जल्दी चलो लेट हो रहा है। हाँ बिरयानी अम्मी कुछ थोड़ा सा, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा। अभी खैर मैंने दूसरे मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है। इसके अलावा मुझे आयत के लिए, जब ये दोनों मोबाइल मेरे शॉप पर थे ना, तो वीडियो तो बन नहीं सकती थी, तो रास्ते से मैंने आयत के लिए जो ना लंच बॉक्स, वाटर बोतल और उसका बैग लिया, बहुत ही खूबसूरत है। अम्मी अब यहाँ पास रख कर बैठी है, तो मैं घर पे चल के आपको दिखाऊंगी। सॉफ्ट कितना है ना, बस भी कर लेंगे, नरम है,
मैंने इसलिए अम्मी नरम लिया कि ना खुद भी है खुद भी नरम और तो अम्मी कुछ खा नहीं रही थी, जबरदस्ती हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है कि अम्मी को जाना है यहाँ से, चलो चिकन रोल खिला देते हैं, बाकी बच्चों के लिए बिरयानी ले ली बोली अम्मी, चलो और कुछ नहीं चिकन रोल तो खाए हैं। तो ज्यादा जो है ना रोल के साथ जो चटनी मिलती है ना ये बहुत मजे की लगती है। ये हमारा ये कराची का चिकन रोल, आईफोन लिया ना आईफोन लेने की ये सबसे मजेदार चिकन रोल की पार्टी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह से सामने वाले घर पे भी रौनक लगी हुई है, देखिए ये ट्रक आया हुआ है सामान इनका लोड होके आ जाए तो इस घर में हमारे नेबर भी आ गए। पहले जो है ना हम मुस्तफा को जाकर दिखाते हैं, सबसे ज्यादा मुस्तफा को खुशी होती है मोबाइल की। मुस्तफा क्या है, क्यों देख रहे हो? आईफोन देख रहा हूं। कौन सा आईफोन है ये? 14 प्रो मैक्स। कहाँ से 14 प्रो मैक्स आया भाई, ये कवर चेंज करा के आई हूँ। मेरी रानी पापा आगे सबको बता रही है। अली भी आए हो, अली कैसे हो? ठीक हो? और इसका फ्रंट वाला कैमरा देखो, फ्रंट का कैमरा ऐसे, अभी यहाँ पर लाइट नहीं है ना। हाँ अभी हमारे घर की लाइट ऑन हुई, अभी देखो रिजल्ट कितना अच्छा है ना। माय गॉड ये तो बहुत प्यारा है ना, तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी मैंने अपने मोबाइल में 14 प्रो मैक्स पकड़ लिया है, इसमें तेरा घर जाएंगे है ना प्यारा। और पता है इसमें जितना भी भागो ना, उन्होंने मुझे बताया जिसमें मतलब भाग के वीडियो बनाओ जैसे आप भागते हो ना। मैंने भी ले लिया, ये मेरा फोन है, ये मुझे गिफ्ट करते मोबाइल वालों को। तो जितना भी भागो ना तो इसमें जैसे धुंधला पड़ता है ऐसे ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। गिर गया मामा, घर पे मेहमान भी आ गए, उनको चलकर बताते हैं अपने मोबाइल के लिए। मोबाइल नहीं दिख रहा कौन सा है? ये मैंने नोटिस नहीं किया। ये नोटिस किया कलर, अभी तो लाइट पड़ रही है, अभी अच्छा फ्लैश ऑन किया उन्होंने, उनको पता चल गया हमारे घर में आज आया 14 प्रो मैक्स। माशाल्लाह लोग आयो ना, इसे हम 10 मिनट पहले घर पे पहुँचे, अभी हम भी अभी पहुँचे हैं लेकर। अस्सलामुअलैकुम, तक पहुँची आपकी शादी, ढोल की आपकी वही पैक होके वही पड़ी हुई अभी तक। देखे चाचू लाइन्स कितनी अच्छी अच्छी याद करके रखते हैं अम्मी, जब हाँ वकार डांस कर। हाँ ये तो एक तो भाई ये आवाज़ सुन दी जाती है, याद करेगी। हाँ और हमेशा की तरह सबको शूट करने के बाद इस मोबाइल से मुझे मेरे आसमान को भी शूट करना था, दिखाना था, जिससे मैं ढेर सारी बातें करती हूँ। और हमारा चांद जो कितना खूबसूरत लग रहा है बादलों में छुपा हुआ, और आसमान से जब भी मैं बातें करती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने अल्लाह से बात कर रही हूँ। जब भी मुझे कभी बात करनी होती है अल्लाह से तो मैं ऐसे आसमान को देख के बात करती हूँ। और मेरा प्यारा अल्लाह पूरी दुनिया को देखो कैसे देख रहा है, इस आसमान में अपने घर में जिस कोने से भी उठ के इस आसमान से जाकर बातें करोगे ना, ऐसा फील होता है जैसे हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह बहुत करीब हो हमारे। और जब भी हमें लगता है कि सब ने एक साइड पे हमें कर दी है, तब जब हम यहाँ पर आकर बात करते हैं ना तब बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होता। और अगर कभी अकेला फील करो भी ना तो अल्लाह कभी भी अकेला फील नहीं होने देते, अल्लाह तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो जब से मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है ना, मुझे लगता है तब से ये कनेक्शन जो है ना ज़्यादा स्ट्रांग बना है। जब से मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है मुझे ऐसे लगता था जब वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तब मेरा अल्लाह मुझे इम्पोर्टेंस देता है। तो अब तो खैर आदत हो गई है वक्त के साथ साथ, लेकिन ये वाला ऐसा रिश्ता है, ट्रायंगल वाला ऐसा रिश्ता है कि पूरी लाइफ भी गुजर जाए ना वो तकलीफ़ दिल को होती है, लेकिन इंसान जो बार बार बोलता है बस बोलना कम कर देता है। अल्लाह से बात कर सकते हैं, अल्लाह को बता सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उस टाइम के बाद आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब बहुत एक तकलीफ़ वाला टाइम होता है, और वो तकलीफ़ जो होती है ना आपको अल्लाह के इतना डीपली करीब कर देता है, ऐसा कनेक्शन लाइफ में सबकी लाइफ में बनता है। कोई किस वजह से किसको क्या तकलीफ़ होती है, कोई किसकी वजह से दिल दुखता है, कोई किसको क्या कहीं से कुछ भी मिलता है, तो वो ऐसा सरप्राइज़ मिलता है एकदम से है ना, वो मुझे लगता है तब अल्लाह अपने करीब अपने बंदे को खींच लेते हैं कि इसका संभालना बहुत मुश्किल है, इसको मैं ही संभाले रखूँगा। अब ये एक अजीब सी जलन होती है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल वाला रिश्ता है ना इसमें सारी लाइफ का चलता है ये सब कुछ, ये नेचुरल है, सबके दिल में होता है कोई बयान करे ना करे, लेकिन रियलिटी तो यही है, तकलीफ़ भी होती है, जलन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको बार बार हम बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ अल्लाह को तो हम जितनी दफ़ा भी बोलें बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने सबको दिखाया तो आसमान को भी दिखाना था, हमारा हर एक मोमेंट जो है ना मैं कैप्चर करती हूँ, हमारी एक बहुत खूबसूरत सी याद है, यादें हैं मेरे पूरे YouTube चैनल पर, तो आसमान की भी होनी चाहिए। चलो अब नीचे चलते हैं, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं नीचे। ऊपर थी मम्मा,
अम्मी ऊपर थी, वीडियो बना रही थी। अम्मी परेशान हो गई है कि कहाँ चली गई। दोनों आ गई हैं, दोनों परेशान हो गए। अम्मी ऊपर गई हुई थी, वो साजिद को देखने गई थी। मैंने कहा वो कहाँ है, फिर ऊपर कोई नहीं। साजिद है घर पे? नहीं नहीं है, वो भी कहीं चला गया। फिर वो आपका प्यारा सा बैग, कितना प्यारा आयत आपका बैग, करी मुझे पहनाओ। खूबसूरत सा हमारी आयत का बैग, मैंने बहुत सॉफ्ट वाला बैग लिया ताकि ये तंग भी ना हो। ये वाला निकलेगा, इसको शायद ये चुभ रहा है। अरे स्कूल बैग इतना प्यारा है, लग रही है मेरी बेबी। बोतल इसके अंदर है ना, सब कुछ अंदर जी। कैरी नहीं उठा, निकालो मेरी वाटर बोतल। ये है वाटर बोतल आयत की, प्यारी है। अच्छा अच्छा आप कहे तो ये खूबसूरत सी आयत की वाटर बोतल है जी। आपकी चीजें नहीं ले रहे हम, दे दो। नहीं नहीं तंग करो, कह रही है मेरी चीजें। तो पहन के तो दिखाओ, ये पहन के तो दिखाओ, पहनो आयत पे, बहुत प्यारी लगेगी। वाह वाह, ये तो बहुत प्यारी आयत, दिखाओ सामने, फेस करो आयत, फेस तो दिखाओ। अच्छी है वाटर बोतल, अच्छी है। ये हमने ढूंढ ढूंढ के इस वजह से ये वाली वाटर बोतल ली है। इसका जो ऊपर ये स्ट्रॉ लगा ना, ये बहुत इजी है इसके लिए बंद बंद करना और खोलना। बाकी बोतल जैसी उनकी कैप बार बार बंद करना खोलना, वो इसको मुश्किल होता। बहुत इजी है ना, ऊपर इसका कैप है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी वाला इसका स्ट्रॉ है। वो दिखाते हैं जो अम्मा को वाटर बोतल। तो नहीं, अम्मी को नहीं दिखा रही वाटर बोतल, गंदी बच्ची बन गई आयत। ये ना अपनी चीजों की मतलब नहीं तंग करो। अम्मी को बोतल नहीं दिखा रही, ना वाटर बोतल ना बैग। अम्मी कैसा लाई हूँ इसका, प्यारा है ना। हाँ फिलहाल जो है ना आयत हमारी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और किसी को भी कई बार मार रही है। भाईजान आपने भी मारा है? हाथ ही नहीं लगा। वो कह रही मेरी चीजों पकड़ो, कह रही इसने मुझे मारा है। तो ये इस वजह से कह रही है कि मेरी चीजों को शायद कोई छीन ना ले। अभी शुक्र है कि आयत ने जो है ना ये निकाल के रख दिया, दे ही नहीं रही किसी को। तो ये खूबसूरत सी इस तरह की आयत की वाटर बोतल है, बिल्कुल क्यूट सी। तो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिए, इतनी प्यारी थी ये। तो आज तक मैंने ऐसी वाटर बोतल देखी, आपने नहीं देखी। अब देखो ऐसी होती है वाटर बोतल। सबको ऐसे लग रहा था जैसे मैं आयत का बैग लाई हूँ छोटा सा। और इस तरह का खूबसूरत सा हमारी आयत का एल्सा वाला बैग है, जो कि बहुत ही ऐसे सॉफ्ट वाला है। इस वजह से मैंने इस तरह का बैग लिया सॉफ्ट वाला, कि बहुत इजी रहेगा। ये देखें, ये भी बहुत सॉफ्ट है ताकि आयत को चुभे भी ना, और बहुत इजीली ये वॉश भी मैं इसको कर सकूं। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी अपना बैग गंदा कर देते हैं, तो ये बहुत इजी वॉश भी हो जाएगा, और बहुत ही प्यारा बैग मिला है। खोलो तैयबा, इतने जो है ना दूसरे लंच बॉक्स की तो अनबॉक्सिंग की। स्पून भी निकाला, ये इसके साथ स्पून भी मिला है। ये दोनों पहले मैंने इसका मैचिंग कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लंच बॉक्स लगा, ये वाला जो लंच बॉक्स है थोड़ा मुझे बड़े साइज का लगा है, कि इसमें बड़े साइज का नहीं अच्छा भी लगा। ये क्यूट है ये छोटा सा, इसमें सीजर भी है। सीजर क्यों होती है वकार लंच बॉक्स में? ये क्यों होती है? बस ये तो भाई, ये बॉल है इसके अंदर ही रहेगा। ये स्पून तो इसमें बहुत प्यारा सा, सीजर क्या समझ में नहीं आएगा सीजर किस। तो इसमें एक छोटा सा बाउल है, मतलब थोड़ा बहुत कभी देना, जैसे फ्राइडे में जो है ना, फ्राइडे के लिए ये सही है, छोटा सा लंच बॉक्स है। बाकी इसके साथ भी स्पून है, और साथ में एक छोटी सी सीजर भी है, जो आयत ने पकड़ ली उसके बाल काट रही। ये तो स्कूल में बाल काटी थी आयत, स्कूल में किसी बच्चे के बाल ना काट के, जो देखो कैंची चला रही है। है वैसे ये प्लास्टिक, गुस्सा भी आ गया इसको आज गुस्से में। तो इतना ज्यादा आयत ने शोर मचाया, सीजर लेकर चली गई। ये क्यूट सा आयत का छोटा सा लंच बॉक्स है, और इसके अलावा जो है ना एक ये वाला लंच बॉक्स है। कौन सा अच्छा है? वकार भी साथ में बैठ के देख रहे हैं। बच्चों की चीजें वकार को देखने का भी शौक है। कौन सा? ये वाला ज्यादा, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसमें सेक्शन भी दो है। हाँ माओ के बाल काटने गई थी, मारा है माओ ने, अब इसके बालों के पीछे पड़ जाएगी। इतनी ज्यादा खामोशी एकदम से, पूरा घर सारे चुप हो गए, सब एक साथ चुप हुए, कैमरा ऑन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब अभी खाना खा रहे हैं। बाकी इस सेट पर दोनों सहेलियाँ एक साथ खड़ी होके खाना भी खा रही हैं और बातें भी चल रही है। हाँ बचपन की सहेलियाँ बिछड़ी हुई। अम्मी मैंने आपको अपनी बचपन की सहेली मिलवाई है ना।
हाँ जी, तो हर दूसरे दिन ये भी आ जाती है, बस वही शादी की बातें चल रही है इनकी आपस में, क्या तैयारी करनी है क्या नहीं। करते करते दोनों सहेलियां देखो यहाँ पर बैठ गई हैं। अब पूरी रात 1-2 बज जाएंगी, इनकी बातें चलती रहेंगी। खाना भी दोनों साथ में खाएंगी, बातें भी चलती रहेंगी। इसके लिए तो गाना भी अभी चलेगा। अच्छा अभी खाना चल रहा है। हाँ शादी में पहले खाना चलता है ना, खाना खत्म होगा बाद में फिर जो है ना ढोलकी और गाने वाने। शादी शुरू हो गई है, शादी शुरू हो गई, शादी शुरू हो गई। ऐसे आवाजें आ रही थी मेरे का जैसे शादी नहीं होती। हाँ तो यहाँ पर ये इनकी प्रैक्टिस चल रही है डांसिंग की। वकार की पहली दफा हम डांस देख रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस की है घर पे, कितनी प्रैक्टिस की? जीरो प्रैक्टिस है। चलो वो देखो वो शुरू हो गया। मुस्तफा अली अली कर रहे हैं, अली करो। ये देखो ये चुप कर गया। इतनी देर से आप गायब थे पता है आपको, पूरा घर ढूंढा ऊपर नीचे हर जगह, कम से कम बता के तो जाए करो। हाँ बस फोन कर लिया करे, फोन कभी लगता नहीं है। तो यहाँ पे देखे इनका डांस शो। मुस्तफा ये तो बजाओ साथ में, इसकी तो आवाज ही नहीं है। ये करता है अली की डांस। अम्मी देखो अली कैसे करता है, अली को देखो, अली बहुत करता है। हाँ हाँ चलो अली डांस करो। हाँ अबू जैसे करते डांस। हाँ हाँ चलो अली करो डांस करो। चलो मुसा आप ढोल बजाओ। ये देखो ये होता है डांस। हम ही अली को आती है ना डांस। हाँ भाईजान डांस देखो, चाचू भी आवाज सुन के आ गए, सारे शुरू हुए। ये लड़की को देखो, छोटी को, ये भी डांसिंग कर रही है आराम से। आयत आयत को देखो, आज जो है ना ढोल हमारी तैबा बजा रही है, ये बैठी है ढोल बजा रही है और यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं। तो घर पे तो ये चल रहा है जो सब आप देख रहे हो। अभी पता नहीं और कितना दिन रहेगा, लाइट सारी ऑन है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और अपने हस्बैंड को यहाँ पे ठहरा के गई थी। ये मेरे प्यारे हस्बैंड, इनको यहाँ पे ठहरा के गई थी कि चाय को जरा देखिएगा, कहीं चाय ना मेरी जो है ना उबर ना जाए। बच गई आपकी वजह से। गैस आज कैसे आ रहा है? हाँ सैटरडे आज गैस हमारा थोड़ा बहुत आ रहा है। इस साइड पर हमारी चाय पक रही है। मैं अपना व्लॉग जो है ना आज बगैर अल्लाह हाफिज, आज का जो व्लॉग है ना मैं बगैर आज का जो व्लॉग है ना मैं बगैर अल्लाह हाफिज की यही सोने वाली थी, बल्कि सो भी गई थी। यहाँ पर देखिए चाय भी बन के आ गई है मेरी, मेरी अम्मी मुझे देकर गई है चाय। ऐसा हुआ मतलब मैं व्लॉग तो कब से बना रही हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी तबीयत ऐसे होती है कि ठीक नहीं भी होती, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग अच्छे से अच्छा बनाऊँ और मैं फील ही ना होने दूँ कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। तो पूरा दिन तो आज निकल गया, लेकिन अभी ना एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, आकर मैं सो गई अपने बिस्तर में। बाहर देखें अभी तक शोर है, अभी तक आवाजें हैं, इनकी ढोलकियां बजती रहेगी, हाँ ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी है कि चलो मैं अम्मी को खुश होते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इतना सालों बाद आई हैं तो सबसे अम्मी मिलती हैं और सब आते भी अम्मी से मिलने के लिए, एक बहुत अच्छा अम्मी का टाइम गुजर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। बस अम्मी अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं और मुझे नींद आ गई थी, बस आयत ने अभी आके उठाया कि मुझे वॉशरूम जाना है, आयत को वॉशरूम लेकर गई। तो यहाँ पर मेरी चाय भी अम्मी रखे गए, चाय अभी पीने लगी हूँ। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड कर देती हूँ, नींद आने लग जाती है तो फिर सुबह मेरा ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाती और फिर अपलोड करना होता है। तो बस ये तो रात 1-2 बजे तक जागते रहेंगे और मुझसे नहीं जागा जाता। अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, ठंड भी एकदम से बहुत तेज लगी हुई। तो मैं अपने बिस्तर में देखी अभी आई हूँ सोने के लिए, बच्चों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है रूम में, सारे के सारे खेल रहे हैं। वकार भी आया हुआ है तो सब अपने उसमें लगे, मेरे हस्बैंड भी, चाचू भी, सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग हमारा वॉच करने के लिए। मैं अभी सोती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल की बातें फिर कल करेंगे। और बस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी मैं बाय बाय भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ में चाय का कप है और इस चाय के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं।